शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास फिलहाल एक ऐसा औजार है जिसने पुलिस प्रशासन को हैरान और परेशान कर दिया है। वैसे तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली या पर खेती करने के लिए हल जोड़ा जाता है, लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर की मदद से पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। किसान बैरिकेड तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। किसानों ने ये नई मशीन ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराकर उसके पीछे फिट की है। जरूरत पड़ने पर बैरिकेड को इस मशीन के हुक में फंसाकर तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जेसीबी मशीनें भी लाई जा रही हैं। पुलिस के पास अगर आंसू गैस के गोले हैं, वाटर कैनन है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो अब किसान भी निहत्ते नहीं हैं। किसानों ने अपने आगे का प्लान भी अब साफ कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर निकाल लेंगे दिल्ली जाने वाले रास्ते में। स्टेट हाईवे, सेंट्रल हाईवे, उन पे निकलेंगे। हमारे एक दिन का प्रोग्राम है, फिर अपना वापसी आ जाएंगे। फिर पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी और 14 मार्च को दिल्ली में प्रोग्राम है एक दिन का, रामलीला मैदान में उसको प्रोग्राम को करेंगे। लोग बिना ट्रैक्टर के जाएंगे। जो सरकार कह रही है कि हम रोक नहीं रहे, तो हम देखते हैं कि वो रोकेगी या वो करेगी। सब लोग जाएंगे वहाँ। 26 फरवरी को दिल्ली की ओर ट्रैक्टर रैली और 14 मार्च को रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम। राकेश टिकैत के इस बयान के बाद किसान जो तैयारी कर रहे थे उसका मतलब समझ आने लगा है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से किसान बॉर्डर पर ही मिट्टी की बोरियां जमा कर रहे हैं। इस मिट्टी से अंदाजन उन गड्ढों को भरा जाएगा जिसे पुलिस ने ट्रैक्टरों को रोकने के लिए खोदा था। वहीं आंसू गैस के असर से बचने के लिए भी तरीके निकाले गए हैं। गैस से बचने के लिए किसान खास चश्मे लेकर आए हैं और ग्लव्स भी पहन रहे हैं। किसानों के पास कुछ बोरियां भी हैं जिन्हें पानी में भिगोकर रखा गया है। इनका काम, आंसू गैस का गोला अगर जमीन पर गिरा हो तो इन बोरियों से ढकने पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जिस ड्रोन से आंसू गैस दागी जा रही है उसे गिराने के लिए पतंग उड़ाई जा रही है। शंभू बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने हैं और जो मौजूदा तस्वीर है वो भी किसी तरह से दिलासा देने वाली नहीं है। इस बीच हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब पुलिस से एक अपील की है। अपील ये कि किसानों के ट्रैक्टर और जेसीबीज को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर ही पहुंचने से पहले रोक दिया जाए और जब्त कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसानों के जो मॉडिफाइड मशीनें हैं उनकी वजह से बैरिकेड तोड़े जाएंगे और वहां खड़े पुलिस कर्मियों को भी खतरा हो सकता है। पंजाब के डीजीपी ने वाजिब अपील को देखते हुए किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के आदेश भी दे दिए हैं। जैसा हमने आपको बताया, 26 फरवरी को किसानों ने दिल्ली की ओर ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है। ऐसे में पुलिस की टेंशन फिर बढ़ने लगी है। कुछ ऐसे ही हालात जनवरी 2021 में भी बने थे और किसानों का प्रदर्शन सीधे लाल किले तक पहुंच गया था। उस वक्त जो हालात रहे थे उसकी वजह से पुलिस और सरकार को आज भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि किसानों ने सरकार के साथ बातचीत का रास्ता छोड़ा नहीं है। MSP की मांग को लेकर किसान सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक मसले का हल निकल नहीं पाया है। बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने की मशीन आ गई है, सामने पुलिस है, और सवाल अब भी यही है कि आखिरकार इस बार ये आंदोलन खत्म कब होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।